आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे एक्सटेंशन की, एक ऐसे प्लगइन की, जिसके थ्रू आप गूगल मीट के अंदर व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एक्सटेंशन के अंदर और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे आप एक शॉर्ट पोल अगर आप चाहें तो हाथों हाथ आपके मीट के अंदर, आपकी मीटिंग के अंदर आप शुरू कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो मैं आज एक ऐसे एक्सटेंशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जैसे कई सारे छोटे मोटे फीचर्स को आपके गूगल मीट के अंदर इनेबल्ड कर देगा और आपके गूगल मीट को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बना देगा। हालांकि ये जो प्लगइन है ये सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप गूगल मीटिंग के लिए ही बना हुआ है और इसको आप सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ही यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। छोटा सा एक ट्यूटोरियल है ये, आप इसको देखिए, इससे सीखिए और अपने गूगल मीट के अंदर कुछ इंटरेक्टिव करने की कोशिश करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है गूगल मीट व्हाइट बोर्ड एक्सटेंशन। जैसे ही आप ये करेंगे यहाँ पे एक एक्सटेंशन आएगा, ये गूगल मीट प्लस का, आप इसके ऊपर क्लिक करिए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्योंकि ये मेरे अभी ब्राउजर में प्लगइन इंस्टॉल्ड है तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम का। जब आपके ब्राउजर में ये नहीं इंस्टॉल होगा तो यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ये मैंने गूगल मीट पहले से ही स्टार्ट करके रखी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लगइन जो इंस्टॉल है उसका ये एक एक्स्ट्रा जो टूल बार है यहाँ पे आ चुका है। इसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी चाहे आप इसे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको यहाँ पे रख दिया है और अगर आप इसको यहाँ से ऐसे मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक प्लस का आइकन बन के यहाँ पे साथ में आ जाएगा। चाहे तो आप इसको वापस से ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहला कैलेंडर टाइप का आइकन दिया हुआ है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन है, रेक्टेंगल का ऑप्शन है, सर्कल का ऑप्शन है, एलिप्स का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, इरेजर का ऑप्शन है और क्लियर ऑल का ऑप्शन है और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से कलर पिक कराया है ये येलो या ग्रीन, इसको मैंने क्लोज करा। यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल लिया और ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ से मैंने सर्कल लिया, इसको मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ से मैंने एलिप्स लिया, यहाँ पे एलिप्स को मैंने ड्रॉ कर दिया। ये मैंने लाइन यहाँ से लिया, ये एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। अब अगर मुझे क्लियर करना है तो मैंने यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया। यहाँ पे अगर मुझे टेक्स्ट को लिखना है तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बार लिया और मैंने यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दिया जो भी मुझे टाइप करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो मेरा हो गया डेमोन्स्ट्रेशन कि ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे वर्क कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये व्हाइट बोर्ड जो है ये सामने वाले पार्टिसिपेंट की स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगा। तो आप इसको बंद कर दीजिए, यहाँ से प्रेजेंट नाउ करिए, यहाँ से आप योर एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करिए, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करिए और इसे शेयर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन करा तो ये जो सामने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी आप यहाँ पे करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये रेक्टेंगल यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आप सर्कल बनाते हैं तो सर्कल यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपने कलर चेंज कर दिया है और मैं अब यहाँ पे एलिप्स बना रहा हूँ तो एलिप्स यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे मैंने लाइन बना के एक ट्राइंगल बनाया है, ये यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने अगर पेंसिल से कुछ लिख दिया है तो ये भी यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर ऑल कर दिया तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये सामने वाले की स्क्रीन पे भी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जो आप यहाँ पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लगइन है ये बहुत इजी प्लगइन है, बहुत छोटा सा प्लगइन है और बहुत अच्छा प्लगइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमोजीज का ऑप्शन है, अगर आप इमोजीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इमोजीज का ऑप्शन दे देता है। यहाँ से अगर आप चाहें तो ये प्रेजेंट नाउ करके इस तरह से इमोजीज भी आप दिखा सकते हैं जो कि आपके सेशन को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकता है।
यहाँ पे ये कोट्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी कोट रैंडमली, एक कोट यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी एक लिंक शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ये लिंक शेयर कर दिए, तो ये यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करने लग गया है। यहाँ पे आप पोल क्रिएट कर सकते हैं, गूगल मीट पोल, इंस्टेंट पोल, जैसे कि ओपन पोल है, नेम्स आर अवेलेबल, एक्सेप्टिंग ओनली वन आंसर, शो रिजल्ट इंस्टेंटली, अलाउ अ शॉर्ट कमेंट फॉर वोटर्स, ये यहाँ पे डिसेबल है। मिनट्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट का पोल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली उतनी देर बाद क्लोज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया COVID-19 इज वेरी डेंजरस, यस, नो, मे बी, इट इज गुड, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पोल को बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, और अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पोल है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब ये 3 मिनट का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइमर यहाँ पे चल रहा है, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि अगर इसका कोई जवाब दे दे, कोई आंसर कर दे इस पोल का, तो वो चैट बॉक्स के अंदर आपको इसका ऑप्शन दे सकता है। तो इस तरीके से आप अपने मीटिंग को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट, बहुत ज्यादा लाइवली बना सकते हैं, जिसके थ्रू आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आपकी मीटिंग में कोई भी बोरियत नहीं फील होगी अगर आप इस तरह के छोटे मोटे इंटरेक्शन उनके साथ करते रहेंगे। तो इस तरह की आप छोटी मोटी चीजें आपके इस मीटिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक ए कलर बैकग्राउंड, तो आपका जो ये जो बैकग्राउंड है जो गूगल मीट का, ये चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है, इस तरह से पूरा चेंज हो जाएगा आपका जो बैकग्राउंड है आपकी स्क्रीन का। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। यहाँ से आप एक सेटिंग कर सकते हैं कि जब आप एंटर हो रहे हैं मीटिंग में, तो ऑटोमेटिकली जो आपका कैमरा है और जो माइक है वो ऑफ हो जाए। यहाँ से आप एक सेटिंग कर सकते हैं कि आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आपका जो माइक है वो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो जाए, स्पेस बार को प्रेस करने पर ऑन और स्पेस बार को प्रेस करने पर ऑफ। तो ये सारे कुछ सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं इस प्लगइन के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये जो पोल है ये एंड हो गया है, कलर जो है ये मेरा चेंज हो गया है इस प्लगइन के थ्रू। तो ये प्लगइन बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं इस मीटिंग को एंड कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, प्रेजेंटिंग को, इस मीटिंग को मैं एंड कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जिनको ये वीडियो की बहुत ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी आप जानते ही हैं कि हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे सेफ, स्टे एट होम।